वन दिस इज़ चैप्टर नंबर और इस पार्ट के अंदर हमने एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है विच इज इस्कीमिक हार्ट डिजीज अच्छा हार्ट डिजीज़ क्या होती है दिस इज अ कंडीशन कुरेक्टराइज बाय अ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट जब भी हार्ट के मसल्स की रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई होगी यानी कि हार्ट के मसल्स को सही तरह ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ब्लड ऑक्सीजन लेके भी हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच सकेगा और जब उसकी ऑक्सीजन नहीं सही तरह जाती तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिया तो दिस इज इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ बेसिकली क्यों होती है क्योंकि जो कॉरनरी ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई कर रहे होते हैं हार्ट के मसल्स को वो ब्लॉक हो जाती हैं ठीक है अब चूंकि कॉर्नरी ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने की वजह से तो इन्हें कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के भाई कॉर्नरी आर्टरी में कोई मसला है या फिर कॉर्नरी हार्ट डिजीज की कॉर्नरी ब्लड वेसल्स में कुछ हुआ जिसकी वजह से देर इज़ हार्ट डिजीज़ सो स्कीमिक हार्ट डिजीज़ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ ये एक ही कंडीशन के नाम है एक्सट्रीमली फेमस डिजीज़ क्लिनिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अच्छा अब ये एक्जैक्टली अब हमने ये देखना है इस पार्ट में हमने ये पढ़ना है कि जो ब्लॉक होती हैं ब्लड वेसल्स वो होती क्यों हैं और किस तरह होती हैं अब जनरली हरे को पता है कि भाई कुछ फैट्स कुछ डिपॉजिट कर जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर और कोई क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर तो फिर जी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं ठीक है तो ये हमने देखना है कि एग्जैक्टली exactly वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है कब फैट डिपॉजिट होता है किस तरह डिपॉजिट होता है और फिर फाइनली उसके ऊपर क्लॉट बनता क्यों है ठीक हो गया ओके अब ये जो रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई है इसे टिपिकली हम एथरोसिस भी कहते हैं तो ये भी एक से सुनने में कि जी क्या हो गया okay. जो रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई है इसे हम एथरोक्लियरसिस भी कहते हैं और टिपिकली एथरोसिस क्या है दिस इज अ बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट्स जिन्हें हम प्ले कहते हैं इन द कॉर्नर आर्टरीज तो ये बेसिकली एथरोस्क्लेरोसिस क्या है ये फैटी डिपॉजिट्स का बिल्डअप होना है जिन्हें हम प्लैक भी कहते हैं इन टू दी कॉर्नरी आर्टरीज ठीक हो गया नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली होता क्या ये जी ब्लड वेसल है ये ब्लड वेसल की एक वाली है, ये है दूसरी ये है अंदर से जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लड जा रहा है ठीक है और सपोजली दिस इज कॉर्नरी आर्टरी अच्छा अब होता क्या है इस ब्लड वेसल की वॉल में फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देगा जस्ट लाइक दिस तो ये जी फैट डिपॉजिट कर गया है या कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन होगी है जी वह आहिस्ता आहसा फिर वो डेपोजिशन बढ़ती जाएगी अब ये डेपोजिशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना तो आप देखेंगे पहले थोड़ी सी अभी ज़्यादा होगी तो ये किसी हद तक ब्लड को यहाँ से ब्लॉक करने लग गई है ठीक है जैसे ये ब्लड को ब्लॉक करने लग जाएगी तो सारा ब्लड तो ब्लॉक नहीं हुआ मगर ब्लड सप्लाई थोड़ी पहले से कम होगी ठीक है तो अगर आगे हार्ट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एनर्जी की और ज़्यादा ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट होगी तो उस वक्त उस रिक्वायरमेंट को मीटअप शायद ना कर सके डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द ब्लॉकेट ठीक है अच्छा तो अब जैसे ही कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होना शुरू हुई फैट डिपोजिशन होना शुरू हुई ये तो फर्स्ट स्टेप था अब इसी के अंदर उसके बाद फाइब्रस डिपोजिशन शुरू हो जाएगी पहले फैट्स आए फिर फैट्स के अंदर ये फाइब्रस डेपोजिशन गई फाइब्रस डेपोजिशन के बाद क्या होगा उसके अंदर कैल्शियम डेपोजिशन शुरू हो जाएगी तो पहले फैट आए फिर फाइब्रस टिश्यू भी आ गया साथ ही आ गया है और फिर kles, वो कैल्शियम डिपोजिट भी आ गए ठीक हो गया तो अब ये जो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर इसे हम कहते हैं प्लैक प्लैक फॉर्मेशन तो ये तो ब्लैक फॉर्मेशन तो प्लैक फॉर्मेशन किसी हद तक ब्लड वेसल को ब्लॉक करना शुरू कर देती है नॉट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ़ द ब्लैक कि वो कितना उसे ब्लॉक करेगी ब्लड वेसल को ठीक है अच्छा इससे आगे कहानी जरा थोड़ी सी ट्वेस्ट लेगी और होता यह कि ये जो प्लैक है ना जो ब्लड वेसल के अंदर बढ़ता 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 जा रहा है, बढ़ता जा रहा रहा है 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 ये फाइनली यहां से रप्चर कर जाता है यहां से रप्चर कर जाता है पूरी ब्लड वेसल की पहले तो वॉल इसके इर्द गिर्द थी ना ये देखें स्टार्ट में तो वॉल इसके इर्द गिर्द थी ठीक है एंडल अंडुथी, अंडुथी, सेल्स उसके बाद ये रप्चर करके बाहर निकल जाता है अब जब ये रप्चर कर गया ये प्लैक रपच्चर कर गया तो ये बड़ी जबरदस्त सीरियस चीज़ है अब जैसे प्लैक कैप्चर कर जाएगी तो पहले तो ये स्मूथ सरफेस थी ना ब्लड वेसल की तो अब ये ब्लड वेसल की सरफेस प्रॉपर अन ईवन सरफेस बन गई है और आपको पता है कि जब भी अन ईवन सरफेस के साथ ब्लड सेल्स टकराते हैं ब्लड टकराता है तो क्या होता है तो फौरन वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाती है तो ये प्लेटलेट्स आके वहां पे एग्रीगेट होने शुरू होते हैं इस अन ईवन सर्फेस जैसे प्लेटलेट्स यहाँ पे एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे और मजीद एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे ठीक है और जब भी प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं तो किसी जगह पे क्या बनता है वैसे जब हम आपने ब्लड में जब पढ़ा था तो वहाँ पे जब कट लगता था तो सबसे पहले प्लेटलेट प्लग बनता था क्योंकि प्लेटलेट आते थे ढेर सारे और जब प्लेटलेट प्लग बन जाता था तो अगला स्टेप क्या होता था उसके अंदर फाइब्रे फाइब्रिन डिपोजिशन होती थी और क्लॉट बन जाता था सेम एक्जैक्टली वैसे यहाँ पर होगा कि सबसे पहले प्लेटलेट्स आ गए ये प्लेटलेट्स काम थे फिर प्लेटलेट्स आ गए अब ही प्लेटलेट्स आए तो उसके प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद क्या होगा यहाँ पे फाइब्रिन डायपोजीशन शुरू हो जाएगी ये फाइब्रिन डिपोजिट शुरू हो गए ग्रीन कलर में बनाए तो ये फाइब्रेंट डायपोजिशन फाइब्रिन डायपोजिशन फिर बढ़ती जाएगी फिर और बढ़ती जाएगी बढ़ते बढ़ते फाइब्रिन डापोजिशन इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि ये पूरी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगी और पहले जो ब्लड फ्लो कर रहा था फिर आज तब जब बहुत ज़्यादा होगी तो फिर पूरा ब्लड फ्लो इसने ब्लॉक कर दिया फाइब्रेंट डपोजिशन और जब ये सारी फाइब्रेंट एपोजिशन हो जाती है इसके ऊपर प्लेटलेट्स इस के ऊपर तो इसको हम कहते हैं तो ये हो जाता है क्लॉट फॉर्मेशन तो अब फाइनली ये क्लॉट फॉर्मेशन होगी आफ्टर फाइब्रेंट डपोजिशन ठीक है और जब ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक रप्चर तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जी थ्रोम्बस बन गया है ब्लड वेसल के अंदर थ्रोम्बस बन गया है ठीक है तो ये जो पहले प्लेटलेट आया फिर उसके ऊपर से फाइब्रेंट टिश्यू आया उसने आगे फिर ब्लॉक कर दिया तो इस सारे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये जी, जी थ्रोम्बस बन गया है ठीक है तो अब ये थ्रोम्बस बन गया है और इस थ्रोम्बस ने सारे को ब्लॉक कर दिया ब्लड वेसल को ठीक है अब इंटरेस्टिंगली एक और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये थ्रोम्बस जो है अगर ये यहाँ से टूट के आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दे और मूव करी जाए आगे की तरफ तो इसको कहते हैं एम्बुलस एम्बुलस ठीक है क्लॉट इफ क्लॉट ब्रेक्स ऑफ तो ये बन जाता है एम्बुलस ठीक है तो इस तरह हमारे पास ये तीन चीज़ें हमने बता दी पहले हमने प्लैक फॉर्मेशन बनवाई फिर हमने थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवाई फिर हमने एम्बुलस बनवाया अगर मैं शुरू से इसको रिवाइज करूँ तो क्विकली तो ये स्टेप्स कुछ चीज़ें नॉर्मल ब्लड वैसेला है पहले आई वो डापोजिशन बढ़ गई उसके अंदर आ गया फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस टिश्यू के बाद उसके अंदर आ गया कैल्शियम कैल्शियम के बाद ये जो फाइबर ये बढ़ता जाएगा इस सारे इस सारे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं प्लैक ब्लैक फॉर्मेशन हो गया है प्लैक उसके बाद रप्चर कर जाता है जैसे ही रप्चर करता है सर्फस अनइवन हो जाती है अन ईवन सर्फिस पे, प्लेटलेट्स आके लगना शुरू रहते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर फाइब्रिन डपोजिशन हो जाती है इतनी फाइब्रिन डेपोजिशन होती है कि यहाँ ये यह सारा क्लॉट बन जाता है और पूरे ब्लड फ्लो को रोक देता है उसके बाद अगर ये क्लॉट फॉर्मेशन होगी इस, इस सारे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन थ्रोम्बस जो है वो अगर टूट जाए और आगे मूव करना शुरू कर दे तो इसको हम कहते हैं एम्बुलस ठीक है जी अब यहां पे ब्लड आगे जा नहीं रहा आगे जो भी हार्ट के मसल को ये सप्लाई कर रहा था तो हार्ट का मसल क्या होगा उस हार्ट के मसल की जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसे स्कीमिया कहते हैं जब उसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी और वो बिल्कुल डेड हो जाएगा और उसे और कहीं और से भी अगर ब्लड सप्लाई ना आ रही हो कोलेट्रोल्स की तरफ से कोलेक्ट्रोल्स क्या है आगे बताता हूँ मैं तो फिर तो वो मसल बिल्कुल डेड हो जाएगा और तो फिर उसे इंफाक्शन कहेंगे ठीक हो गया तो ये तो ब्लड किस अब ये अगर आप कहें कि ये किस तरह ये ब्लॉक हो सकती है ब्लड वेसल तो आप कहेंगे नंबर वन थ्रोम्बस की वजह से ब्लॉक हो सकती है नंबर टू यही एम्बुलेंस आगे जाके कहीं और जाके फंस जाए तो एम्बुलेंस की वजह से ब्लॉक हो सकती है तीसरा कॉज है कि ब्लड वेसल किस तरह ब्लॉक हो सकती है अक्सर ये इतना ज़्यादा थ्रोम्बो एम्बुलिज्म नहीं भी होता कोई वैस्कुलर स्पेज में हो जाता है किसी वजह से तो उस तरह भी ब्लॉक हो सकती है ठीक हो गया जी अच्छा अब अगले दो तीन स्लाइडों में अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं तो उसको एग्जैक्टली लिखना किस तरह है तो वो हम उसको देख लेते हैं कि उसको स्कीमेटिकली आपने किस तरह अटैम्प्ट है क्वेश्चन को आज सो ये है जी हमारी पूरी स्लाइड स्कीमिक हार्ट डिजीज, डिजीज़ कौनर रि हार्ट डिजीज़ और कौन हार्ट डिजीज़ ठीक ओके जी अब हाउ स्कीमिक हार्ट डिजीज डिवेलप्स एक तो है कि आप यही सारे स्टेप्स को लिख दें वो मैं आपको इस स्लाइड में ये सारे स्टेप्स दिखाऊंगा कि पहले प्लैक फॉर्मेशन हो रही है फिर प्लैक रप्चर और क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है मगर इससे पहले अगर आपको सिंपल कहें जी स्कीमिक हार्ट डिजीज़ किस तरह होती है तो आप कहेंगे जी सबसे पहले एथरोसिक्लीरोस होता है एथरोसिक्लीरोस क्या था एथरोक्रोसिस है कोलेस्ट्रॉल और फैटी सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाना कॉर्नरी आर्टरी की वॉल के अंदर ठीक ओके जिससे बन जाता है प्लैक और वो कॉर्नरी आर्टरी नैरो होना शुरू हो जाती है ठीक है जो स्टार्ट में प्रोसेस था वो जिस जो वो नैरो हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से दे रज रिड्यूसड ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाती जब ऑक्सीजन नहीं जाती तो आपको पता है ऑक्सीजन के ना जाने से क्या हो जाता है इस्कीमिया हो जाता है अच्छा जी जब इस्कीमिया होगा तो फिर क्या होगा ओ इस्कीमिया होता है तो सबसे पहले तो होता है कि बंदा नॉर्मल होता है मगर सिर्फ जब बंदा फिज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़्यादा करता है ना तो उस वक्त बंदा कहता है जब, जब फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करता हूँ ना तो मुझे ना चेस्ट पेन शुरू हो जाती है उसे कहते हैं जी एंजाइना वो जो चेस्ट पेन होती है फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करने से क्योंकि जब फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है उस वक्त है तो हार्ट की डिमांड बढ़ रही है और उधर पीछे दिन आप सब प्लैक पड़ा हुआ है वो तो ब्लड को आगे नहीं जाने दे रहा थोड़ा बहुत ब्लड जाता है कि इतना ब्लड आगे जाता है कि रेस्ट पे जाता है मगर जैसे ही बंदा एक्टिविटी करता है तो ब्लड आगे उतना उतनी डिमांड नहीं पूरी कर सकता अच्छा जी उसके बाद क्या होता है जी करते 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 स्कीमिया हुआ स्टूट स्टार्ट में तो उसके बाद पूरा जी वो ब्लड क्लॉट बन गया पूरा थ्रोम्बस बन गया अब थ्रोम्बस ने पहले प्लैक ने तो हाफ ब्लॉक किया होता थ्रोम्बस ने फुल ब्लॉक कर दिया अब उसने फुल ब्लॉक कर दिया तकरीबन फुल ब्लॉक कर दिया तो हो ये तो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम हो गया बंदा बैठा है बैठे बैठे चेस्ट पेन शुरू हो गई एक्टिविटी भी नहीं ज्यादा की पता नहीं क्या हुआ क्योंकि वहाँ पूरा क्लॉट बन गया अब पूरा क्लॉट बन गया तो उसे हम कहते हैं एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के एकदम से ही एक्यूट इस वक्त को मसला हो गया है और तो इसे एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम कहते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे क्या होगा कि जी इट्स बेसिकली अब एक्यूट कार्नरी सिंड्रोम की क्लिनिकली स्पीकिंग उसकी पर काफी है अनस्टेबल एंजाइना और इट्स एंस्टेमी और वो बैर उसके उसमें फिर हम उसकी डिटेल में हम फिर अभी नहीं जाते जब बाद में आपको एंजाइम्स पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी स्टेजेस कौन सी होती हैं कि एक सबसे लेस स्टेज होती है उसमें अनस्टेबल एंजाना होता है फिर एक फिर एक होती है नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेशन वाली मायाकॉडियल इन्फॉक्शन देर इज एस टी सेगमेंट एलवेशन वाला मायाकॉडियल इन्फॉक्शन ठीक है अगर आपको इसी चीज से इधर नहीं है तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ओके जस्ट कीपिंग इट सिंपल एक्सरोस हुआ जिसकी वजह से रिड्यूस ब्लड सप्लाई हुई जिसकी वजह से स्कीमिया होगी और फाइनली जब थ्रॉम्बस बना तो प्रॉपर अक्यूट कॉर्नर सिंड्रोम हो गया ठीक है एंड देट इज़ एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन अच्छा ये सारा कुछ किन लोगों में होता है ये फैट डपोजिशन किन में होने होने का चांस है भाई सिंपल सी बात है जिनमें फ़ैट ज़्यादा है फैट किन में ज़्यादा है या तो बंदा ओवर वेट है ओबीस है या फिर उसका लाइफ स्टाइल सेड एंट्री है और या फिर उसकी ब्लड वैसल को डैमेज करने वाले बाकी मसाइल ज़्यादा हैं जिस तरह के हाई ब्लड प्रेशर वो भी ब्लड वैसल को डैमेज कर रहा होता है पहले से ही या फिर वो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ही है या अगर आप बायो केमिस्ट्री के, के हिसाब से देखें तो वो फिर एच डी एल और एल डी एल और उनका बैलेंस कितना है कि गुड गुड लिपिड्स कितने हैं और बैड लिपिड्स कितने हैं ठीक है ना तो वो उनका बैलेंस ऊपर नीचे तो नहीं हुआ बट अगर आप सिंपली आपसे पूछें तो आप सिंपली कहेंगे जेनेटिक जेनेटिकब्यूशन ओवरवेटी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हाई ब्लड प्रेशर ठीक है ओके ओके okay. देन वी हैव कि जी अगर आपको आया था एग्जैक्टली exactly लिखें तो आप कहेंगे जी सब वही पॉइंट लेंगे आप पहले कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट लिखेंगे जी फिर आप कहेंगे जी फाइब्रस टिश्यू आ गया फिर आप कहेंगे कैल्सिफिकेशन होगी फिर आप कहेंगे जी वेस्टल यूमन ब्लॉक हो गई ठीक है देन यू विल से जी इट्स पार्शियली ब्लॉक्ड देन देर विल बी रप्चर ऑफ प्लैक तो प्लैक uh, का रप्चर हो गया सर्फेस विल बिकम अनस्मूद अनस्मूथ सरफेस सर्फेस प्लेटलेट्स आके लगेंगे उसके बीच में फाइबरन आ जाएगा एंड फाइनली फाइब्रथ अकॉम्बो ऑफ फाइब्रिन एंड प्लेटलेट्स विल फाइनली लीड टू ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन ठीक है और जिस भाई साहब को हम कहते हैं थ्रोम्बस और वो अगर टूट गया तो आगे जाके थ्रोम्बो एम्पलेज बन जाएगा ठीक है तो ये सारी वही एग्जैक्टली exactly है इसको पॉज करके ये मैंने लाइट्स बनाई कि अगर आपने ऐसे ही क्यों आया था तो आपको ना एग्जैक्टली exactly किन वर्ड्स में आपको वर्ड्स में आपने इसको लिखना है ठीक है ओके सो uh, so, जी और सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है जी, जी जहां पे ये एथ्रोसिक्लोरोटिक प्लैट बनने का चांस सबसे ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा एथ्रोसिक्लोरोटिक प्लैट फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ मेजर कॉर्नरी आर्टरीज़ में बनते हैं जो कॉर्नरी वेसल्स है ना मेजर कॉर्नरी वैसल्स उसके पहले ही पार्ट में फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर सबसे ज्यादा चांस होता है बनने का ठीक हो गया अच्छा लेट्स मूव टू ने अच्छा अब ये भी मैंने आपको पहले बता था कि जी एक्यूट कॉर्नरी एक्लून एक्यूट एक्लून कैन रिजल्ट फ्रॉम तीन चीज़ों से रिजल्ट कर सकता है नंबर वन कि भाई थ्रोम्बस बन गया थ्रोम्बस क्या आपको सारा पता है नंबर टू कॉर्नरी एम्बुलिज्म हो गया जी एम्बुलिजम की वजह से एम्बुलिजम क्या होता है जी कि वन क्लॉट ब्रेक्स अवे तो वो आगे जाके कहीं भी जाके फंस जाएगा वो क्लॉट एंड थर्ड वन इज लोकल मस्कुलर स्पैजम ठीक है थ्रोम्बस भी नहीं है एम्बुलिज्म भी नहीं है मगर ब्लड ही स्पाज कर गई किसी भी वजह से ठीक है तो भी इट कैन रिजल्ट टू अक्यूट विल रिजल्ट एन इसकी इवेंट ठीक हो गया अच्छा अब इंटरेस्टिंगली यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया अब होता क्या है एक मज़ेदार चीज़ है और वो है कोलेक्ट्रल्स कोलेक्ट्रल सर्कुलेशन अब हुआ क्या ये देखो ये दो डायग्राम से आपको सारी से बात समझ आ जाएगी ये ब्लड वेसल ये आपकी है जी राइट कॉर्नर आर्ट्री ये लेफ्ट कॉर्नर आर्ट्री ये पीछे सर्व कम्फ्लेक्स ब्रांच ये इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ये इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच पे यहाँ पे आके बन गया है जी आपका थ्रोम्बस ये देखें जी ये बड़ा ज़बरदस्त थ्रोम्बस बन गया सारी ब्लड सप्लाई रुक गई अब ये जो आगे इस टिश्यू को सप्लाई कर रही थी ये इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये टिश्यू होने लग गया है डेड अब जैसी ये टिश्यू डेड होने लगेगा तो क्या होगा यहाँ से राइट कॉर्नरी आर्टरी से कुछ ब्लड वेसल जो इस तरफ आ रही हैं वो इनके आगे वाली जो ब्रांचेस हैं जो कि पहले या तो पहले से ब्रांचेस इसके आगे और थी जो कि बंद पड़ी थीं ज़रूरत ही नहीं थी उन्हें खोलने की तो वो फ़ौर यहाँ से वो ब्रांचेस खोल जाएंगी या फिर यहाँ पे कुछ टाइम में अगर आहिस्ता 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 हो रहा है एक्यूट इवेंट नहीं है आहिस्ता 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 आता करके ब्लॉकेट कौन सा मतलब आज शुरू हो रहा आज ही पूरे का पूरा यहाँ पे थॉमस बन गया आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ना तो जैसे जैसे वो स्कीमें बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे, वैसे यहाँ से इसकी ब्रांचेस भी बढ़ती जा रही हैं ठीक है क्यों क्योंकि स्कीमे के एरिया से से, से सिग्नलिंग जा रही है कि भाई हम हमें भी कोई थोड़ी सी ब्रांचेज दो अब ये ब्रांचेज यहाँ से आएंगी इनके साथ जुड़ जाएंगी जस्ट लाइक दिस तो इन ब्रांचेस को जो साइड से आ रही होती हैं या पहले से बनी होती हैं मगर बंद पड़ी होती हैं तो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ नीड वो खुल जाती हैं तो इन्हें हम कहते हैं कोलेट्रल्स कोलेट्रल्स ठीक है तो ये कोलेट्रल्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अब यहाँ पे ब्लॉक होगा तो अगर कोलेट्रल्स सही तरह काम कर गई हैं ना तो ये देखो यहाँ पर ब्लॉक है ऐसी तैसी ब्लॉक की रही हमें कोई टेंशन नहीं तो ये यहाँ से ब्लड आके इस एरिया को सप्लाई करेगा एंड देर विल बी नथिंग नो कोई इसकी कीमे मेंवेंट नहीं होगा ठीक ओके हो और कोलेट्रल्स बहुत ज़्यादा इन रियल लाइफ लोगों में लोगों के हार्ट में कोलेट्रल्स बहुत ज़्यादा बनती हैं ठीक है और क्यों और कोलेट्रल्स बनने की मेन वजह ही है कि स्लोली स्लोली जैसे इसकीमिया डेवलप होता है साथ ही दूसरी साइड से ब्रांचेस बन जाती हैं ठीक ओके सो कोलेट्रल सर्कुलेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इन रिस्पॉन्स टू द ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इन एन एरिया ऑफ द बॉडी कोलेट्रल्स आफ्टर दे आर फॉर्मड कैन रिमेन क्लोज एंड कैन ओपन विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर द दिन यानी कोलेक्ट्रल्सर बन जाती हैं और उसके बाद यहाँ से अगर ब्लड सप्लाई बहाल हो जाए तो कोलेक्ट्रोल्स फिर बंद रहेंगी और जब जैसे जरूरत पूरी फॉन कोलेक्ट्रल्स खोल गई मगर पहली दफ़ा जब कोलेक्ट्रोल्स बनेंगी न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगी तो वो बनेंगी तभी जब स्लो स्कीम एक इवेंट चल रहा है आहस्ता आस्ता सिग्नलिंग हो रही है और आस्ते आह न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन हो रही है एंजियोजेनेसिस हो रही है ठीक हो गया सो दिस इज एट हमने को पढ़ लिया है कि स्कीमिक हर डिजीज एग्जैक्टली क्या है थ्रोसिकलोस एक्जैक्टली क्या है क्लॉट फॉर्मेशन किस तरह होती है फॉर्मेशन क्या है एम्बलिज्म क्या है ब्लड वेसल को ब्लॉक करने के तीन मैकेजम्स क्या हैं और फाइनली क्लेट्रल सर्कुलेशन इसको किस तरह बचाती है इस स्कीमिक इवेंट को होने से ठीक है सो दिस वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर सो दिस इज एट सी ओ एन नेक्स्ट